देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट शुरू हो गई है। 24 घंटे में 3,377 नए मामले सामने आए हैं और 60 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 17,801 हो गए हैं। कोरोना की सुपर स्पीड दिल्ली में देखने को मिल रही है। यहां तेजी से नए संक्रमितों और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के कोविड बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को राजधानी में कोरोना के 1,490 नए मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 4.62% पर आ गई है। हालांकि संक्रमण बढ़ने के बावजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि घबराने की बात नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी गंभीर नहीं हुई है, क्योंकि लोगों में गंभीर बीमारी नहीं हो रही है और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज की संख्या भी कम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? तो इसका जवाब है फिलहाल तो नहीं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बीते कुछ दिनों में भारी उछाल देखने को मिले तो हैं। संक्रमण दर के बढ़ने और कोरोना के मामलों में उछाल आने के बाद लॉकडाउन की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी लॉकडाउन की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन पिछली 3 लहरों में अक्सर ये देखा गया है कि सरकार शुरू में लॉकडाउन की बात नहीं करती, लेकिन संक्रमण बढ़ने के बाद पाबंदी बढ़नी शुरू हो जाती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि स्थिति गंभीर नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के कारण संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। INS रिपोर्ट।